एक लड़की द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर एक लड़के से फर्जी दुष्कर्म में फंसाने की धमकी देते हुए की गई पैसों की मांग। पीड़िता पहुंची थाने, पुलिस ने किया मामला दर्ज। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुआ गांव निवासी राजेंद्र कुमार राय पुत्र हरगोविंद राय ने मऊरानीपुर कोतवाली प्रभारी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि शिखा नाम की लड़की द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बार बार फोन करके एकांत जगह पर बुलाया गया तथा बद्रावरा गांव के पास बने पेट्रोल पंप के पीछे सुनसान जगह पर कमरे में उसे बंधक बनाकर अश्लील वीडियो भी बनाया गया, साथ ही उससे 5 लाख रुपए की मांग की गई। वहीं पीड़ित ने बताया कि उक्त लोगों द्वारा उससे 1 लाख रुपए भी लिए गए हैं और उससे बराबर अधिक पैसे मांगे जा रहे हैं, जिसकी शिकायत पीड़ित ने कोतवाली प्रभारी से करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं कोतवाली प्रभारी ने शिखा नेहा उस्मान खान निवासी भद्रावरा सहित 3 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए धारा 342, 323, 506, 386, 66 आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कहाँ से है? झांसी से ब्यूरो की रिपोर्ट। आज आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है मऊरानीपुर कोतवाली में, क्या समस्या पर लेकर दिया आपने प्रार्थना पत्र? सर, कुछ लोगों ने मुझे ब्लैकमेलिंग करा जी, जिसके संबंध में थाना प्रभारी को एप्लीकेशन दिया है, जिसमें हमसे पैसे जमा किए गए जी, 1.5 लाख रुपये मांगे गए, जिसमें 1 लाख रुपये उनके पास पहुंच चुके थे जी उस्मान खान के द्वारा जी, और 50,000 दूसरे दिन हमको देने की बात हुई जी। दूसरे दिन 50,000 देने आए जी, वो उन्हें सूचना होगी कि पुलिस को जानकारी है, तो वो उसको पकड़ में नहीं आएंगे जी। उस्मान को ले उसमें संबंध में जी जी, तो उस्मान के मोबाइल से उसके लेडीज की फोटो बरामद हुई, जिससे उनका संबंध जाहिर है जी। अब उस्मान को ऊपर जी हमने उस्मान का नाम खोल के उसमें मुकदमे लिखा है जी, और बाकी टीम अभी पकड़ी है कि बाहर। कौन कौन पकड़ा है अभी पुलिस की तरफ से? अभी खाली उस्मान का नाम पकड़ लिया है। किस बात को लेकर ब्लैकमेल किया जा रहा था आपको? ये सर, हमको के द्वारा हमारा डेटा इनको लड़की को दिया गया, जिसमें मुझे फोन लगाया, मैं जानता नहीं था, वो बार बार 3 दिन फोन लगाती थी जी, और मुझे मिलने के लिए मऊरानी पर बुलाया जी। मैं सद्भावना पूरा उसके पास आया जी, चलो मिलने, वो नहीं, 3 दिन से फोन लगा रही, तो मैं पहुँचा तो बाइक बैठ गई, तो बोली जल्दी आगे बढ़ाओ, भद्रावरा साइड ले चलो, नहीं तो मैं चिल्ला दूँगी आगे। तो मैं भद्रावरा साइड ले गया, वहाँ पे एक नहर के पास में खेत में एक मकान बना था, वहाँ ले जाकर के 3-4 लोग पहले से थे वहाँ पर, उन लोगों ने घसीट के मुझे अंदर कर दिया और हम लोगों के साथ गलत, हमारे साथ गलत किया, वहाँ पर मारा पीटा मुझे, धमकी देकर के गलत वीडियो बनाया, उसी में ब्लैकमेलिंग।